हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको PIR डिवाइस के बारे में जो कि क्विक सेंस के ब्रांड का है। यह है QS08। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं और आपको इसकी वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। इसके अनबॉक्सिंग में आपको मिलने वाला है PIR डिवाइस यूनिट एंड मैनुअल। तो सबसे पहले इसका मैं दिखा देता हूँ उसके कुछ स्पेसिफिकेशन कि ये 220 वोल्ट पे कार्य करता है। ये टेम्परेचर बेस्ड होता है। इसका मैक्स लोड जो है वो 1000 वाट तक का है। और पावर सोर्सिंग आपकी इसमें है 220 से 240 वोल्ट की। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे एंटी क्लॉक रोटेट करके इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें टू नॉब्स दिए जाते हैं, ये लक्स है एंड ये टाइमर का है। तो इसमें हम सेट करते हैं, जैसे कि अगर हमें डे नाइट में काम करना है, इस सेंसर को सेट करना है डे नाइट के लिए, तो हम इसको लक्स का प्लस कर देते हैं। और अगर हमें ये डे नाइट ओनली नाइट नाइट में काम कराना है तो माइनस की तरफ फुल रोटेट कर देते हैं। आप अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम के लिए, अगर मैक्सिमम टाइम के लिए आप करते हैं तो इसको फुल प्लस पे कर देते हैं, और मिनिमम टाइम के लिए इसको 10 सेकंड के लिए आप इसको माइनस पे कर सकते हैं। मैंने 10 सेकंड के लिए करा क्योंकि मेरे को टेस्टिंग पर्पज के मतलब से मेरे को ये 10 सेकंड के लिए ही चाहिए होता है। तो इसमें ये आपका दिखा रखा होगा जो पावर कनेक्शन है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है LNA N, फिर लिखा हुआ AC। तो मींस जो डायरेक्ट करंट है हमारा, अल्टरनेटिव करंट जिसे कहते हैं हम, डायरेक्ट नहीं, सॉरी, डायरेक्ट तो DC होता है, अल्टरनेटिव करंट AC है। तो वो हम यहाँ प्लग इन करते हैं इनपुट का, और आउटपुट हमारा ये है एन और ए, मतलब कि एन से होता न्यूट्रल और ए से होता आउटपुट। तो हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो आइए हम वायरिंग करके दिखा देता हूँ मैं इसमें कि किस प्रकार से वायरिंग होगी। आउटपुट के लिए मैंने ये बल्ब ले रखा है और इसकी दो वायर है, ब्लैक एंड येलो। इनपुट सोर्सिंग के लिए मैंने ये ले रखा है, मैंने कुछ इस प्रकार से कनेक्टर बना रखा है, दो वायर निकाल के प्लग में डाल रखे हैं। और मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, करने के लिए रेड वायर के लिए मैंने ये मार्किंग कर रखी है, ताकि ये मैंने अपने से करी है ताकि मैं जान सकूं कि इसमें रेड वायर कौन सा और ब्लैक वायर कौन सा है इसमें, क्योंकि अंदर से मेरे को नहीं दिखाएगा ना कनेक्शन, इसलिए मैंने ये मार्किंग कर रखी है। तो आइए मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको लूज कर लिया, लूज तो ऑलरेडी है। तो जो आपका न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल में जाएगा एन में, इनपुट का मेरा एन एन में जाएगा। ये जो फेस वायर है मेरा फेस में जाएगा। मैंने कनेक्शन कर दिया है। इसमें आप देखेंगे आगे कि ये जो न्यूट्रल एंड फेस है मेरा, इसको मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आउटपुट के लिए मेरा आउटपुट में जाएगा एक वायर और एक वायर जाएगा न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर को कर रखा है, तो मैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर को कर देता हूँ। और फेस के लिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ येलो वायर को। तो इसकी वायरिंग हो चुकी है जैसे कि देख सकते हैं आप। इसको जब वायरिंग कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ से कटिंग करते हैं, बट ये न्यू प्रोडक्ट है इसलिए मैंने अभी नहीं काटा है। जब सेट इंस्टॉल करेंगे तब काट सकते हैं इसको, और कुछ इस प्रकार से ये इंस्टॉल होता है बंद होके। तो ये मैंने आपको वायरिंग करके दिखा दिया। अभी मैं इसको इसकी प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ किस प्रकार से कार्य करते हैं।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने ये ले लिया। इसमें देखिए जो इंडिकेटर है ये जो ब्लॉक हो गया। अभी मैंने रेड को फेस की तरफ देना है, जैसे कि मैंने टेस्टर से चेक कर लिया, ये मेरा फेस यहाँ पे देख रहे होगे आप, हल्का हल्का लाइट दिख रहा है, तो ये मेरा फेस है, तो मैं फेस को फेस में दूंगा और न्यूट्रल को न्यूट्रल में। तो सबसे पहले मैंने ये कनेक्ट कर दिया, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ स्विचेस को। तो मैं सबसे पहले पहले इस प्रकार से ठीक कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के बाद मैंने इसको करा, अभी ये मैंने 10 सेकंड के लिए कर रखा है सेट टाइमिंग इसका, तो अभी मैं इसको ऑन कर दिया। अब इसको 10 सेकंड वेट करेंगे, तो ये 10 सेकंड के बाद अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा बिना किसी स्विच ऑफ ऑन करने के। और जब इसके सामने मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, या हिलते डुलते हैं, या इसके रिटायर में जो भी आएगा हिलता हुआ, तो वो ऑन कर देगा। तो देखिए मैं आपको इसके सामने अपना हाथ हिला के इसको मतलब मूवमेंट करके दिखाता हूँ ताकि ये स्टार्ट हो सके। ये देखिए ये इसकी प्रोग्रामिंग एंड सेटिंग है, मैंने वायरिंग सेटिंग वगैरह सब आपको बताया, प्रोग्रामिंग बताया, तो इस प्रकार से ये काम करता है। थैंक यू।